Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine at home. Myself, Akruti Parikh, your art and craft teacher. Let's start today's session. So, student, today our drawing is Tokun. इट इज ऑन पेज नंबर 21. ठीक है, लास्ट पीरियड में हमने क्यूट डायनासोर उसमें कलरिंग किया था. आज वैसा ही सेम हमें यहाँ पर करना है. आपको बर्ड दिया हुआ है, वहाँ पर डॉटेड लाइन दी हुई है. तो आपको क्या करना है, पहले पेंसिल से वो जो डॉटेड लाइन है उसको हमें ट्रेसिंग करना है और उसके बाद उसके ऊपर ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे और बाद में उसमें कलरिंग करेंगे. ओके, तो सब लोग रेडी हो अपने बुक्स कलर सबके साथ. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ड्राइंग सेशन. पहले हम पेंसिल से डॉटेड लाइन के ऊपर ट्रेसिंग कर लेते हैं. एकदम अच्छे से आपको ट्रेसिंग करना है. जहां पर डॉटेड लाइन है उसके ऊपर ही आपकी पेंसिल की लाइन आनी चाहिए. एकदम अच्छे से और शांति से करना है. ठीक है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है बच्चों आपको. तो ये पूरा ड्राइंग पेंसिल से कंप्लीट हो गया है. अभी हम उसके ऊपर ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे. ठीक है, एकदम शांति से करना है. जहाँ पर भी डॉटेड लाइन है आपने जो पेंसिल की लाइन की है उसके ऊपर ही आपको ट्रेसिंग करना है. ठीक है, बिल्कुल भी पेज गंदा नहीं हो उसका भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. अभी ब्लैक स्केच पेन से ये पूरे बर्ड को मैंने बॉर्डर कर दिया है. अभी हम इसमें कलरिंग टिक कर लेते हैं कहाँ पर कौन सा कलर है. ठीक है, फर्स्ट शुरू करते हैं उसकी बीक से. बीक में जो आगे वाला पोर्शन है वहाँ पर है रेड कलर. तो पहले यहाँ पर रेड कलर से हमें टिक करना है. ठीक है, ये जो छोटा वाला पोर्शन है वहाँ पर ही आपको रेड कलर करना है और पीछे बड़ा जो पोर्शन है वहाँ पर हम करेंगे लाइट ब्राउन कलर. ठीक है, वहाँ पर भी लाइट ब्राउन और बीक के जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पर भी लाइट ब्राउन आएगा. फिर उसकी आईज है यहाँ पर भी लाइट ब्राउन कलर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं उसकी बॉडी पे. पूरी बॉडी, आईज का पीछे का पार्ट, उसकी टेल, वो सारे पोर्शन में हम करेंगे ब्लैक कलर. ठीक है, और उसकी बॉडी में आगे जो छोटा सा पार्ट है वहाँ पर हम करेंगे सिल्वर कलर. ठीक है, और उसके लेग्स में वापस वही लाइट ब्राउन कलर करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले पूरे ड्राइंग को हम बॉर्डर कर लेते हैं उसके बाद कलरिंग करना शुरू करते हैं. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट बॉर्डर वर्क. सो स्टूडेंट्स, पूरे ड्राइंग में मैंने जहाँ जहाँ पर जो भी कलर थे वो कलर से बॉर्डर कर दी है. ठीक है, अभी हम उसमें कलरिंग करना शुरू करते हैं. फर्स्ट मैं लेती हूँ रेड कलर.
ठीक है, एकदम अच्छे से करना है और एक ही डायरेक्शन में कलर करना है आपको। और क्रेयॉन्स कलर हमेशा थोड़े डार्क करना है, लाइट लाइट कलर नहीं करना है, तभी आपके ड्राइंग की अच्छी सी इफेक्ट आएगी। ओके, अगर आपने बॉर्डर दी होगी तो ड्राइंग कलरिंग होने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो ये रेड कलर हो गया मेरा, अभी मैं लेती हूँ लाइट ब्राउन कलर। ठीक है, ट्राई करना एक ही डायरेक्शन में कलर आए, पहले थोड़े स्लीपिंग में फिर स्टैंडिंग में ऐसे करोगे तो लास्ट में ड्राइंग अच्छा नहीं लगेगा। पूरे ड्राइंग की जो इफेक्ट आनी चाहिए वो अच्छे से इफेक्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में कलर करना बच्चों। ये हो गया यहाँ पर, अभी ये नीचे वाले पोर्शन में। अभी आईज में भी वही कलर हम कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है ना अभी ये होने के बाद। अभी हम कौन सा कलर लेते हैं, अभी सिल्वर कलर हम लेते हैं। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना बच्चों। ओके, अभी लास्ट में कौन सा कलर बचा, ब्लैक कलर। हाँ, तो ऊपर से शुरू करते हैं और पूरी उसकी बॉडी का पोर्शन, उसके आईज का पीछे का पार्ट, वहां पर कौन सा कलर करेंगे, ब्लैक कलर। एकदम धीरे से करना है आपको, कलर बाहर नहीं जाए उसका ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा पूरा बर्ड कलर के साथ कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना सुंदर लग रहा है ना ये होने के बाद। ओके, सो आवर ड्राइंग बर्ड इज कंप्लीट नाउ। होप यू ऑल एंजॉय दिस ड्राइंग सेशन। सी यू नेक्स्ट वीक, हैव अ नाइस डे, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।